तो दो बाइक में भिड़ंत हो गई है। हादसे में चार की मौत हुई है और एक महिला घायल बताई जा रही है। घायल महिला को अस्पताल में भर्ती कर दिया गया है। बुढ़ेरा थाना के मुड़ीखेरा के पास की घटना है। तो देखिए, टीकमगढ़ से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। लगातार हादसों का कहर देखने को मिलता है, रफ्तार का कहर को देखने को मिलता है और इस बार फिर से एक हादसा हुआ है। चार लोगों की मौत हो गई है, एक महिला घायल बताई जा रही है। फिलहाल घायल को अस्पताल में भर्ती कर दिया गया है और चार की मौके पर मौत हुई है और बुढ़ेरा थाने के मुड़ीखेरा के पास की ये घटना बताई जा रही है। तो टीकमगढ़ से ये तस्वीरें आपके सामने हैं, जहां पर चार अलग अलग लोगों की मौत की खबर सामने आई है। एक महिला की हालत बेहद गंभीर बताई जा रही है। सड़क दुर्घटना में महिला घायल हुई है, चार लोगों की मौत हो गई है और महिला को अस्पताल में भर्ती किया गया है। तो लगातार सड़क हादसे की तस्वीरें सामने आती रहती हैं और रफ्तार का कहर भी देखने को मिलता है और इस बार टीकमगढ़ से ये तस्वीरें आपके सामने, जहां पर फिर से एक सड़क हादसा हुआ और चार लोगों ने अपनी जान गंवाई, वहीं एक की हालत गंभीर है जिसे अस्पताल में भर्ती किया गया है। अस्पताल में उसका इलाज जारी है। फिलहाल घटना किस वजह से हुई, तेज रफ्तार या फिर अनियंत्रित होकर बाइक पलटी है या फिर टकराई है, इसकी जानकारी फिलहाल नहीं हो पाई है। जल्दी हम कोशिश करेंगे कि आपको पूरी जानकारी दे सके, लेकिन फिलहाल हादसे में चार लोगों की मौत की खबर है। तो खबर पर ज्यादा जानकारी देंगे हमारे संवाददाता शैलेंद्र द्विवेदी। तो शैलेंद्र, किस तरह से ये घटना हुई, तेज रफ्तार या कुछ और? जी, ये अरविंद लोधी है, तो ये अपनी भाभी को लेकर और उसके साथ एक और था, ये तीन लोग एक बाइक पर सवार होकर उसको मायके छोड़ने जा रहे थे महिला को। तो ये सीसी रोड है, पूरा अच्छा नया रोड है, तो निश्चित रूप से ये गाड़ी तेजी से जा रही थी और उसी समय रास्ते में सामने से एक मुड़ीखेरा करके एक गांव खेरक पड़ता है, तो सामने से एक दूसरी बाइक आ रही थी और दोनों में जोरदार आमने सामने की टक्कर हुई, जिसमें ये सामने वाली बाइक में भी दो पुरुष थे और इसमें भी दो पुरुष और एक महिला थी। तो उन चारों पुरुषों की मौत हो गई है, जबकि महिला गंभीर रूप से घायल है और महिला को तुरंत जिला अस्पताल लाया गया, जहां से इसको गंभीर हालत के चलते झांसी मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया है, जबकि चारों लोगों को डॉक्टरों ने परीक्षण के बाद मृत घोषित कर दिया और अब उन चारों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल में रखा गया है। जी शैलेंद्र, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।